नमस्कार दोस्तों, मैं रणवीर सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का इस YouTube चैनल में। दोस्तों, नए साल में रेलवे में सफ़र करना महंगा हो गया है। रेलवे ने नए साल से यानी कि 1 जनवरी 2020 से किराए में बढ़ोतरी कर दी है। रेलवे ने प्रति किलोमीटर के हिसाब से 1 से 4 पैसे तक किराए में बढ़ोतरी की है। इसके लिए रेलवे ने तर्क दिया है कि अंतिम बार साल 2014-15 में किराए में संशोधन किया गया था। इसके बाद लगातार सुविधाओं का विस्तार हुआ है, जिनमें भारतीय रेलवे ने लगातार कोचों के आधुनिकीकरण और स्टेशनों पर बेहतर सुविधाओं के साथ यात्रियों को अच्छा अनुभव बढ़ाने का प्रयास किया है। इसके अलावा भारतीय रेलवे 7वें वेतन आयोग के बोर्ड ने किराया बढ़ाना जाना आवश्यक बना दिया है। दोस्तों, किराए में वृद्धि 1 जनवरी 2020 या उसके बाद खरीदे गए टिकटों पर होगी। दोस्तों, 1 जनवरी 2020 से पहले बुक किए गए टिकटों पर कोई अतिरिक्त किराया या अंतर यात्रियों से नहीं लिया जाएगा। दोस्तों, साधारण नॉन एसी में 1 पैसे प्रति किलोमीटर की वृद्धि की है। नॉन एसी मेल व एक्सप्रेस में 2 पैसे प्रति किलोमीटर के हिसाब से वृद्धि की है। एसी क्लास में 4 पैसे प्रति किलोमीटर के हिसाब से। और दोस्तों, रेलवे ने उपनगरीय किराया और सीजन टिकट में कोई वृद्धि नहीं की है। और दोस्तों, किराए में वृद्धि से लंबी दूरी की यात्रा करने वाले यात्रियों पर अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। दोस्तों, अभी तक पैसेंजर ट्रेन में मेरठ से नई दिल्ली तक की 70 किलोमीटर की दूरी का किराया 20 रुपये और एक्सप्रेस ट्रेन में 45 रुपये तय था, लेकिन किराया बढ़ने के बाद 1 जनवरी 2020 से पैसेंजर में 21 रुपये हो जाएगा और एक्सप्रेस ट्रेन में 47 रुपये हो जाएगा। दोस्तों, रेलवे ने 1 जनवरी 2020 से 139 सेवा नंबर को एकीकृत करके रेलवे हेल्पलाइन में तब्दील कर दिया है। 1 जनवरी 2020 से भारतीय रेल के अनेक नंबर की बजाय सिर्फ 139 नंबर ही इस्तेमाल किया जा सकेगा और यात्रियों को अलग अलग नंबर याद नहीं रखने होंगे। शिकायत व जानकारी एक ही नंबर 139 से प्राप्त कर सकेंगे। दोस्तों, यह सेवा इंटरसेप्टिव वॉइस रिस्पॉन्स पर आधारित है और एक ही नंबर से 139 से सभी जानकारी प्राप्त की जा सकेगी। तो दोस्तों, ये थी रेलवे द्वारा जनवरी 2020 में की गई कुछ नई अपडेटों की जानकारी। दोस्तों, वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल पे अगर पहली बार आए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर से दबा लें ताकि रेलवे से जुड़ी हुई ऐसी इंफॉर्मेटिव जानकारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचता रहे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।